लगा कि विदेह क्षेत्र में सीमंधर स्वामी हैं, अगर उनके साक्षात दर्शन हो जाएं तो तत्व ज्ञान की कमी जो इस भरत क्षेत्र में आ गई है वह पूर्ण हो जाएगी। इसी भाव को लेकर एक दिन वह, क्योंकि आपको मालूम ना, जब आज्ञा की कनिष्ठता होती है और थोड़े संकलेश परिणाम होते हैं तभी आहारक पुतला निकलता है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत आगम पढ़ा होगा, तो उसमें आहारक शरीर निकलने के लिए कारण बताया है आज्ञा की कनिष्ठता और संकलेश परिणाम। मतलब अभी हमें आगम कम मिला है, हम और कैसे जानेंगे, इस प्रकार के मन में जब विकल्प होते हैं तो वैसे ही कुछ विकल्प हमें लगता है उस समय आचार्य कुंद कुंद महाराज को हुए। और वह ध्यान में बैठ के कि यहीं पास में विदेह क्षेत्र में साक्षात सीमंदर भगवान हैं और उनके माध्यम से तत्व संबंधी सभी गुत्थियाँ खुल सकती हैं, तो कैसे उनके दर्शन होंगे। ऐसे भाव विभल होते हुए वह ध्यान में बैठ कर एकाग्र चित्त सीमंदर स्वामी का ध्यान कर रहे हैं वह। अब ऐसी कथा है कि जैसे ही वह एकाग्र होते हैं सीमंदर स्वामी के चरणों में, तो अनायास ही सीमंदर स्वामी का हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठ जाता है समोसण में। जैसे ही उनका आशीर्वादात्मक हाथ उठता है तो वहाँ जो प्रमुख श्रोता आदि बैठते हैं, समोसण में बैठे हैं, वह पूछते हैं, भगवान यह कृपा किसके ऊपर हो रही है, आपका आशीष किसको प्राप्त हो रहा है। तो वह बताते हैं कि भरत क्षेत्र में एक बहुत कुशाग्र बुद्धि के अत्यंत क्षुभसम के धारी ज्ञान ध्यान युक्त आचार्य कुंद कुंद हैं, उनके लिए ही मेरा यह आशीष हुआ है। तो उसमें आगे कथा यह भी आती है कि वहाँ से कोई दो देव यहाँ आकर आचार्य कुंद कुंद को विदेह क्षेत्र ले जाते हैं सीमंदर स्वामी के समोसण में साक्षात दर्शन कराने के लिए। और आचार्य कुंद कुंद सीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके कृतकृत्य हो के तत्व के संपूर्ण बोध को प्राप्त करके यहाँ पुनः वापस आते हैं और उसी तात्विक विचेचन को अपने 84 बाहुड़ों में गूंथते हैं। ऐसा आचार्य कुंद कुंद के बारे में कथाएं कई जगह हैं, कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि वह उनके पास तारण लिद्धि के धारी भी थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, हम कितना कहें, पर एक गाथा तो जो दर्शन पाहुड़ में हो आती है, जय पद्म नंदी ना हो सीमंदर स्वामी दिव्य नानी ने, ना विबोही तो समणा कहम सुमग्गम पयान नंदी। यदि पद्म नंदी नाथ जो हुए, पद्म नंदी आचार्य कुंद कुंद का ही नाम है एक और, यदि वह सीमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान से बोधित नहीं होते तो कैसे इस पंचम काल में समण लोग सुमार्ग में लगते, क्योंकि कुछ दूसरे मार्ग की ओर जाना शुरू हो गया था, तो उनको पुनः सुमार्ग में सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य कुंद कुंद को है। तो इस प्रकार उनके महत्व को समझते हुए एक गाथा और आती है उनके बारे में, उनके कई नाम हैं, आचार्य कुंद कुंद आख्यो बक गीवो महागुरु एलाचार्य गद्य भिक्षे इति तन्नाम पंचधा। आचार्य कुंद कुंद बक गीव एलाचार गद्य भिक्षाचार पद्मनंदी आदि पांच नाम हुए हैं। तो उनकी भी कथा है कि वो एलाचार क्यों हुए, तो जब आचार्य कुंद कुंद वहाँ
सीमंदर स्वामी के संबोधन में विदेश क्षेत्र पहुंचते हैं, तो वह एक जो वहां के मुख्य श्रोता हैं, उन्होंने उनको अपनी हथेली में रख लिया और पूछा, जे कौन से महाराज हैं इलायची के आकार के हमें लगते हैं? तो आचार्य कुंद कुंद का परिचय जब उनने पूछा तो सीमंदर स्वामी कहते हैं, यह भरत क्षेत्र के ज्ञानवान आचार्य कुंद कुंद महाराज हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। तो इलायची के आकार, वहाँ की इलायची इतनी बड़ी होती होगी, तो इसलिए उनको एलाचार्य की उपाधि दी गई। इसी प्रकार गद्य पक्ष क्यों है, तो जब वह विदेश क्षेत्र जा रहे थे, देव उन्हें ले जा रहे थे, तो उस समय उनके हाथ में मयूर पिक्षिका थी, पर किसी कारण वह मयूर पिक्षिका आकाश में ही उड़ गई, तो तुरंत गिद्धों के पिक्ष से पिक्षिका बना के उन्हें दी गई, इसलिए उन्हें गद्य पिक्षाचार भी कहते हैं। और एक नाम है, यह भी है, बक्रगीवाचार्य। तो बक्रगीवाचार्य क्यों कहते हैं, तो इतना अध्ययन उन्होंने किया, स्वाध्याय अध्ययन किया, कि उनकी ग्रीवा मतलब गर्दन वक्र हो गई थी, तो उनको बक्रगीवाचार्य भी एक उपाधि प्राप्त है। बाद में ठीक हो गई थी, पर कुछ समय के लिए रही, तो उन्हें बक्रगीवाचार्य भी, जैसे आप देखते ना कई बार सर्वाइकल हो जाता तो गर्दन तिरछी हो जाती ना, ऐसे ही कुछ समय के लिए हो गई थी, तो उनको वह भी उपाधि प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आपने आचार्य कुंद कुंद के बारे में इतनी सब बातें जानी, कैसे इस कृति के कृतिकार हैं और उनके माध्यम से कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई हैं, हम उनका और परिचय प्राप्त कर लें। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर, जो जितनी भी भक्तियाँ हैं प्राकृत में, चाहे वो सिद्ध भक्ति हो, सुत भक्ति हो, चारित्र भक्ति हो, निर्वाण भक्ति हो, नंदीश्वर भक्ति हो, शांति भक्ति हो, आदि आदि जितनी भी 24 तिथ्या भक्ति है, प्राकृत में जितनी भक्तियां हैं वह सब आचार्य कुंद कुंद की हैं, और संस्कृत में जितनी भक्तियां हैं वह आचार्य पूज्यपाद महाराज की हैं। अब सभी भक्तियों की जो अंचलिका आप पढ़ते ना, जैसे इच्छाविवंति सिद्ध भक्ति का उत्सव, या सुत भक्ति की इच्छा बनती सुत भक्ति का उत्सव को, या इच्छा बनती आर्य भक्ति का उत्सव को, ये सब अंचलिका आचार्य कुंद कुंद की ही हैं, इतना हम समझ लें। तो आचार्य कुंद कुंद को जैन आगम का के लिए बहुत बड़ा अवदान है, यदि वह नहीं होते तो इतना विस्तृत द्रव्यान योग जिसे कहते हैं उनकी ही देन है, उनके माध्यम से ही अध्यात्मिक का से हमारा परिचय होता है। और समय सार में एक अधिकार आया है, कर्ता कर्म अधिकार। आप लोगों ने यदि समय सार पढ़ा हो या सुना हो, तो कर्ता कर्म अधिकार का जो वर्णन है अध्यात्म में, वह अनूठा वर्णन है विश्व के किसी मत में। वह कर्ता, अध्यात्म का थोड़ा बहुत परिचय तो दिया है लोगों ने, पर कर्ता कर्म अधिकार को किसी ने नहीं छुआ है। मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, किसी का भोक्ता नहीं हूँ, किसी का स्वामी नहीं हूँ, ऐसी बहुत सी बातें उसमें की हैं। घट का कर्ता कुंभकार नहीं है, इस उच्च श्रेणी के अध्यात्म का भी परिचय आचार्य कुंद कुंद ने हमें कराया है। मतलब यदि आप रोटी बनाते हैं तो रोटी को आप नहीं बना रहे हैं, रोटी बनाने के निमित्त कर्ता तो आप हैं, कुंभ बनाने का निमित्त कर्ता तो कुंभकार है, उपादान कर्ता
स्वयं मिट्टी है, अथवा वह रोटी बनाने के उपादान करता स्वयं गेहूं आटा है। इस प्रकार का उच्च श्रेणी का अध्यात्म का यदि पान कराया है तो आचार्य कुंद कुंद ने हमें कराया है। तो इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद का परिचय हमें प्राप्त हुआ। अब बीच बीच में और भी हम उनकी बातें लेते रहेंगे। तो अब हम आते हैं 12 भावनाओं पर जो मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, सभी सिद्धों को नमस्कार करते हुए। और उत्तम ध्यान, ध्यान तो आप जानते ही हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो ऐसे उत्तम उत्तम ध्यान कौन हो गए? दो चार प्रकार के ध्यान हैं आपके यहाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो बात के दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वह तो उत्तम ध्यान की कोटि में आएंगे। और शुरू के दो 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 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वह अशुभ ध्यान है। तत्वा सूत्र में कहा गया है परे मोक्ष हेतु, मतलब बाद के जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वह मोक्ष हेतु हैं। तो इसी से सूत्र से ही निकल रहा है कि अपरे संसार हेतु, मतलब शुरू के जो दो ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वह संसार के हेतु हैं। तो हमें उत्तम ध्यान के माध्यम से कौन से धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान के ऊपर भी शुक्ल ध्यान के माध्यम से, जिन्होंने अपने संसार को छपण कर दिया है, दीर्घ संसार का नष्ट कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी। कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठी? जिन्होंने नो कर्म रूपी मल, कर्म रूपी मल और द्रव्य, ऐसे तीनों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों से, तीनों मलों से जो रहित हो गए हैं, वह सिद्ध परमेष्ठी हैं। नो कर्म क्या है? आपका शरीर है, वह नो कर्म रूपी मल है। और द्रव्य कर्म क्या है? जो पौद्गलिक कर्म हैं, जो आपके आत्मा से बंधे हुए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि, वह द्रव्य कर्म हैं। और लाख देश आदि जो आप करते हैं, वह भाव कर्म है। ऐसे तीनों प्रकारों के कर्म रूपी मल से जो रहित हैं, जिन्होंने तीनों कर्म मलों को नष्ट कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर। और 24 तीर्थंकर भगवानों को भी नमस्कार कर। चूंकि हम भरत क्षेत्र में हैं, तो आचार्य महाराज ने, कुंद कुंद महाराज ने भरत क्षेत्र संबंधी 24 तीर्थंकर, वर्तमान समय संबंधी ले लो तो वर्तमान 24 ही हो गई, भूत संबंधी ले लो तो भूत 24 ही भी गर्भित हो जाएगी, और भविष्य संबंधी 24 ही ले लो तो तीनों त्रिकाल 24 ही इसमें गर्भित हो जाएगी। अब अरहंत परमेष्ठी क्या हैं? जिन्होंने कि अपने घातिया चतुष्टय को नष्ट कर दिया। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ऐसे चार घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, वह अरहंत परमेष्ठी हैं। और वह समोसरण में विराजमान है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हुए अब 10 और 2 12 अनुपेहिनम बोच्छे 12 भावनाओं का कथन मैं करूँगा, ऐसा आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं। तो 12 भावनाएं क्या हैं या अनुपेक्षा क्या है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं 16 सिद्धि ग्रंथ में, मुहुल मुहुल चिंतनम इति अनुपेक्षा। जो बार बार भाई जाएं, उन्हें हम अनुपेक्षा कहते हैं। पुनः पुनः कुछ चीज ऐसी होती है, एक बार भाली, एक बार ग्रंथ पढ़ लिया, बहुत
पर 12 भावनाएं क्या हैं? बार बार चिंतन की जाती हैं। लोकांतिक देव अपने पूरे 8 सागर काल तक 12 भावनाओं का ही चिंतन करते रहते हैं। और तो और इनको ध्यान के लिए भूमिका कहा गया है। 12 भावनाएं क्या हैं? आपको ध्यान लगाने के लिए भूमिका का कार्य करती हैं। ध्यान भावना ही कहा गया है इनको, ध्यान की भावना। आपको ध्यान, आप अपने सांसारिक कार्यों में लगे हैं, आप सोचो सीधे ध्यान में उतर जाए, नहीं। बोलिए परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बालियाती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है, और इस उपलक्ष में 25 तारीख को, 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ माँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आए, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जन निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारसिंह के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज आचार्य श्री के आशीर्वाद से बन आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, और ये अनादिकाल तक जो है धर्म प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है, और आप सब परिवार से अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं क्लच बुकिंग के लिए भी, क्योंकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, क्योंकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है क्लच स्थापना के दिन जरूर आए, बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज संघ का पावन वर्षायोग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।